दोस्तों अगर आप भी ध्रुव जरेल एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में ध्रुव जरेल ने अपनी बल्लेबाजी से सबको अपना फैन बना लिया है। इस खिलाड़ी ने रांची के मैदान में धोनी के सामने धोनी की तरह ही बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले ध्रुव जरेल की बल्लेबाजी के साथ साथ कुलदीप यादव का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, ध्रुव जरेल, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल तीनों में सबसे बेहतरीन युवा बैट्समैन कौन है? आपकी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ना जाने कितने डेब्यू हुए हैं इस सीरीज में, लेकिन ध्रुव जरेल का नाम किसी की भी जुबान पर नहीं था। पिछले मैच में सरफराज खान के साथ इन्होंने डेब्यू किया, लेकिन दोस्तों अफसोस कि इन्हें इतनी ज्यादा फुटेज मिली ही नहीं, क्योंकि सारे तो सरफराज खान बटोर चुके थे। लेकिन आज इस खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत के दम पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए एक ऐसी पारी खेली है जिसे धोनी भी याद रखेंगे। इस मैदान में जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 253 रन बनाए, जिसके बावजूद में हमारी शुरुआत कितनी ज्यादा खराब थी। रोहित शर्मा 2 रन पर आउट हुए तो बाकी खिलाड़ी 40-50 रन से आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा रन तो यशस्वी जायसवाल के थे जो 73 रन लगाकर गए थे। लेकिन उनके बावजूद भी दोस्तों मैदान में रजत पाटीदार 17, जडेजा 12, सरफराज खान 14 पर आउट हो गए थे। अब आप यही से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर कुछ नहीं था, विकेट बैक टू बैक गिर रहे थे। और अब आती है कुलदीप यादव और ध्रुव जरेल की पार्टनरशिप, जिसमें दोस्तों कुलदीप यादव 131 गेंद खेलकर 28 रन बनाते हैं, लेकिन अफसोस कि आज तीसरे दिन के खेल में वो भी अपना दम तोड़ देते हैं 28 रन पर। लेकिन ध्रुव जरेल तो ध्रुव जरेल हैं, और दोस्तों जैसा ही वो अपने शतक के करीब पहुंचे उन्होंने एक ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, ऐसे ऐसे शॉट लगाए कि देखकर अंग्रेज खिलाड़ी भी अपनी आंखें मलते रह गए। दोस्तों ध्रुव जरेल ने जैसा कि हमने आपको बताया कि अपनी काबिलियत के दम पर पहले तीसरे दिन में अपना 50 पूरा किया था, और उसके बाद जब मौका मिला उन्हें तब वह खुद को रोक नहीं पाए, और उन्होंने कुलदीप यादव के आउट होने के बाद 49वें ओवर में अपनी आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा। शोएब बशीर को इतना ही नहीं, उन्होंने टॉम हार्डली, रॉबिन्सन, इनफैक्ट जेम्स एडन को भी ताबड़तोड़ चौके जड़ते हुए बड़ी तेजी से सरपट तरीके से अपने आप को शतक के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन तभी एक और स्ट्रेटेजी हो गई, 100वें ओवर में आकाशदीप छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए, और मैदान में ना अब आना पड़ गया था मोहम्मद सिराज को, और यह आखिरी विकेट था। और ध्रुव जरेल ने अपनी मिड टेस्ट सेंचुरी में मात्र 20 रन की दूरी पर थे, और तभी दोस्तों ध्रुव जरेल को पता लग गया था कि कभी भी सिराज आउट हो सकते हैं। तभी वो एक और छक्का जड़ते हैं, टॉम हार्डली को उसी ओवर में एक और चौका जड़ते हैं, और आगे चलकर एक और चौका जड़कर 90 रन के करीब पहुंच जाते हैं, ताकि वो अपना शतक कभी भी पूरा कर पाएं। इनफैक्ट दोस्तों यह पारी अपने आप में किसी दोहरा शतक से कम नहीं थी, क्योंकि जब भारत को सबसे ज्यादा रनों की जरूरत थी तभी इसी भारतीय क्रिकेट के नाम मात्र और मात्र 100 रन के अंदर ही दोस्तों 5 विकेट गिर गए थे। वहां से उठाकर यह खिलाड़ी भारत को 300 रन तक ले गया। ध्रुव जरेल की दोस्तों इसी पारी ने वाकई में सबका दिल जीत लिया, और इनफैक्ट गावस्कर ने तो इन्हें दूसरा धोनी भी कह दिया था। और दोस्तों आपको बता दें कि ना ध्रुव जरेल ने रिकॉर्ड भी बनाया है, और उन 5 खिलाड़ियों की सूची में नाम आ चुका है जो रांची के मैदान में डेब्यू करके इनफैक्ट ये उनके करियर का हाईएस्ट स्कोर बना है। किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में दोस्तों ध्रुव जरेल की इस पारी में कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का भी योगदान था, उन्होंने भी चौके जड़े, और वह इतनी गेंद ना खेलते तो भला यहाँ तक कैसे पहुँचते। तो दोनों की पारी, उनके रिकॉर्ड और उनके सक्सेस को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।